दोस्तों आज हम जो टूल क्रिएट करेंगे उस टूल का नाम है ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर टूल। इस टूल का खासियत दोस्तों ये है कि आपको जो लैंग्वेज नहीं आता है, आप अपना आर्टिकल को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, हमें गूगल में जाना पड़ता है, दूसरे कोई वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है अपना आर्टिकल को अपने भाषा में ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, अगर इस टाइप का टूल आपके पास खुद ही का ही हो तो आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, और आपके टूल में जिनको फायदा मिलेगा मतलब विजिटर को, तो वो आपके पास ही ज़्यादा आएगा क्योंकि आपके पास आके उसका काम हो जा रहा है। तो यहाँ में मैंने आपके लिए एड कोड प्लेस करने का जगह दे दिया हूँ। आप यहाँ में ये सब जहाँ जहाँ एड कोड लिखा है हर जगह में अपना एड कोड प्लेस कर पाएंगे। इस आर्टिकल के एरिया में आप अपना एक अच्छा सा प्यारा आर्टिकल लिख के यहाँ में पेस्ट कर दीजिएगा तो गूगल में अच्छे से रैंक कर जाएगा। क्वांटा का अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी मैं यहाँ दे दिया हूँ, तो ये सब कैसे आप कस्टमाइज कीजिएगा वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को बीच में कहीं मत स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को जैसे है पूरा आगे से लेके लास्ट तक आप जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डालने मत भूलना, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, अच्छे से कमेंट करना और दोस्तों में शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों ये टूल कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। तो इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लिए। अच्छा दोस्तों, और एक बात आपको बता दूँ, यहाँ में आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से ही आप इसको दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का टूल ब्लॉगर में बनाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश के बाद आप लोगों के लिए इस टूल को क्रिएट किया हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से ही आप दूसरे भाषा में इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वो भी कोई बड़ा बात नहीं है, कहीं से दोस्तों आप इंग्लिश आर्टिकल को उठा लीजिए, यहाँ लाके ट्रांसलेट करके उसको अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए और उसको अपना वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए। उसमें अगर कुछ फेर बदल करना चाहते हैं तो आप उसको कर दीजिए, तो क्या होगा वो आर्टिकल आपका खुद का आर्टिकल बन जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो जो हम यहाँ कॉपी किए थे यहाँ में हम इसको पेस्ट कर लिए, तो यहाँ में हिंदी सिलेक्ट है, तो चलिए कोई दूसरा एक इसको हमें फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करना है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको ट्रांसलेट में क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग फ्रेंच सिलेक्ट किए थे तो फ्रेंच में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरे बार हम नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखिए हिंदी सिलेक्ट करके हम जैसे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना चाहा तो ये हिंदी में आ गया। तो चलिए दूसरा लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग किस में करेंगे, चलिए इसको बंगाली में करके देखते हैं। तो जैसे ट्रांसलेट में क्लिक किया, देखिए ये बंगाली में कन्वर्ट हो गया। जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए दोस्तों, देखिए डच लैंग्वेज में कैसे दिखता है, तो देखिए ये डच लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार अरबिक में करके देखते हैं। तो अरबिक में ले जाकर जैसे ट्रांसलेट में क्लिक किया तो देखिए ये पूरा आर्टिकल अरबिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस टूल सबके लिए कितना फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ चलिए ब्लॉगर में चलते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ब्लॉगर में आके दोस्तों आपको एक नया ब्लॉग बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, थीम सेक्शन में आपको चलाना है। तो थीम में आने के बाद दोस्तों आपके सामने जब आप शुरू में इसको क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको कैसे टूल वेबसाइट के लिए वो थीम चूज करना होता है वो दिखाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप थीम में क्लिक करेंगे तो ऐसा एक थीम के साथ आपको यहाँ में देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, राइट एरो में क्लिक करना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन यहाँ लिखा रहेगा, थर्ड ऑप्शन में इसको क्लिक करके आपको स्विच विदाउट बैकअप कर लेना है। करके दोस्तों आपको
सीधा इस टाइप का थीम मिल जाएगा। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल, जो वीडियो मिलेगा वहाँ में आपको कैसे आपको टूल वेबसाइट क्रिएट करना है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। और मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ इसलिए इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा आपको मैं टूल वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ। तो एडिट स्टेबल में आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ में जितना भी कोड है इसको कंट्रोल प्लस ए करके सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करके दोस्तों आपको सीधा मेरे इस वेबसाइट में चलाना है। तो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आप सभी को एक प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इसको एक बार शुरू से दिखाता हूँ। तो आपको दोस्तों क्या करना है, गूगल में चलाना है और आके लिखना है sbtech.scientv.in। तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। अगर ये वेबसाइट आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ज़्यादातर ऐड और ये वाला सेक्शन आप लोगों को दिक्कत देता है कि वेबसाइट इज लॉक, प्रेस सब्सक्राइब टू अनलॉक। तो डरिए मत दोस्तों, ये आसानी से आप पार कर पाएंगे। आप जो भी ऐड वाला पेज खुलता है उसको आपको क्रॉस कर देना है, वो आप जानते ही हैं। तो सब्सक्राइब में आपको क्लिक कर देना है, तो ये सीधा आपको मेरे यूट्यूब चैनल में लेके जाएगा। अगर यूट्यूब चैनल के अलावा दोस्तों कोई दूसरे वेबसाइट में आपको लेके जाता है ऐड वाला साइड में, तो आपको क्या करना है, वो वाला पेज को क्रॉस कर देना है। तो आपको दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देने के बाद यहाँ से दोस्तों आज के क्रॉस कर देना है। जैसे ही क्रॉस करेंगे देखिए आपके सामने ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल खुल के आ गया। तो आपको दोस्तों डायरेक्ट ये आर्टिकल ना मिले तो आप ये सर्च बार में ट्रांसलेटर लिख के आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ये पोस्ट आ जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये रहा दोस्तों आपका कोड। तो उससे पहले एक बात चीज दिखा दो दोस्तों, कैसे आप खुद से अपने लिए इसको ब्लॉगर में क्रिएट करेंगे, वो भी मैं यहाँ डिटेल्स में लिख के रखा हूँ, आप यहाँ देख के भी इसको खुद से बना पाएंगे। तो दोस्तों उतना टाइम आपका नष्ट मैं नहीं करूँगा, आपको सीधा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ देखिए क्लिक हैड टू कॉपी बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका कोड यहाँ सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। अभी इसको ले जाके हम दोस्तों इस ब्लैंक एरिया में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको सेव में क्लिक करेंगे। तो प्रोसेसिंग हो रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता है हम लोगों को इंतजार करना है। तो अपडेट सक्सेसफुल आ गया। अभी दोस्तों हम लोग बैक जाएंगे, जाके एक बार अपना वेबसाइट को व्यू करेंगे, व्यू ब्लॉग में क्लिक करेंगे, देखते हैं कि कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों ये रहा अपना टूल, ये 100% बन के तैयार हो गया। तो अभी चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये फंक्शन करता है कि नहीं। तो क्योंकि हमने डायरेक्ट आपके लिए वेबसाइट से ही कोड को कॉपी किया, कॉपी करके आपके सामने इसको प्लेस किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। अगर मुझे प्रॉब्लम आएगा तो आपको भी आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। मेरे पीसी में ऑटोमेटिकली मौजूद है कोड, फिर भी मैं आपके लिए डायरेक्ट क्यों करता हूँ दोस्तों, कि ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना हो और सवाल हो तो उसका जवाब भी तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए इसको पहले ही आप हिंदी में देखते हैं। हिंदी में सिलेक्ट है तो इसको ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे, कुछ देर इंतजार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसको कोई भी दूसरे लैंग्वेज देखते हैं, तमिल में करके देखते हैं दोस्तों। तो ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे तो देखिए ये तमिल में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इतना देर तक आप समझ चुके होंगे कि ये काम कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये सब को हम कैसे एडिट करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए हमें इसके लिए जाना है एडिट एचटीएमएल में। एडिट एचटीएमएल में आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ जो टाइटल है ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ऊपर जो भी नेम आप लिखेंगे नीचे आके भी सेम नेम को आप डाल दीजिएगा, जो यहाँ भी जो लिखा है ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ से भी आप चेंज कर पाएंगे। और ये देखिए कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो कोटेशन के अंदर में ये जो सिंबल मैं हैज का जो सिंबल देके रखा हूँ, यहाँ में आप अपना कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक, अबाउट अस पेज का लिंक और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहाँ में डाल दीजिएगा तो वो शो करने लग जाएगा। दोस्तों और वीडियो में मैं बताता हूँ कि
टूल वेबसाइट पे कोई भी आप पेज क्रिएट करेंगे तो उसका यूआरएल कहीं पे काम नहीं करता है, वो शो नहीं करेगा। इसलिए आपको एक अलग सा ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करके रख देना है। वहाँ में जो भी टूल वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका पेज को वहाँ में क्रिएट कीजिए और वहाँ का यूआरएल लाके यहाँ में पेस्ट कर दीजिए। तो और टूल को भी पेज बनाने के लिए जो भी टूल का ज़रूरत होता है दोस्तों, सब का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से वो पेज को क्रिएट करके अपना पेज बना लीजिए। वहाँ से जो भी कोड मिलेगा उस कोड को आप बेफिक्र होके यूज़ कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आप समझ चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप ऐड कहाँ प्लेस कीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको ये ऐड कोड लिखा मिलेगा। आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप कंट्रोल प्लस एफ बटन को प्रेस कीजिए तो आपके सामने सर्च बार खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ में ऐड लिख के आपको एंटर में प्रेस कर देना है। तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने ऐड कोड लिख के रखा हूँ सब हाईलाइट होके आपके सामने आ चुका है। तो ये जहाँ जहाँ ऐड कोड लिखा है ये ऐड कोड के सेक्शन में सिर्फ आपको अपना ऐड कोड को ला के प्लेस कर देना है। मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव एक ऐड नेटवर्क का आपको लिंक में वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो देख के भी आप आसानी से उस ऐड नेटवर्क को यूज़ कर पाएंगे। और ये जो आर्टिकल वाला सेक्शन है इस सेक्शन में आप आपका खुद का आर्टिकल लिख के यहाँ में पेस्ट कर दीजिएगा तो आपके वेबसाइट में वो आर्टिकल दिखने लगेगा। और आप यहाँ में जो कॉपीराइट वाला सेक्शन है यहाँ में जो मैंने नेम दे के रखा हूँ इसके जगह में आप अपना टूल वेबसाइट का जो भी नेम आप दे रहे हैं उस नेम को यहाँ में प्लेस कर दीजिएगा। करके दोस्तों सिर्फ सेव में क्लिक कर देना है और कोई काम नहीं है तो ये सब आपके यहाँ में दिखने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टूल पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डालने मत भूलना ताकि इस टाइप का वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाय।